नमस्कार, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो बेसिक क्लास है हमारे स्टूडेंट्स, वो है इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर। और इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है उसके ऊपर आज बात करेंगे। आज उसकी शुरुआत है और आगे के लेक्चर्स में ये कंटिन्यू रहेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ऊपर। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है, कितने टाइप का होता है, और फिर उनकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी कैसे चेक की जाती है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसको हम इस तरह से शो करते हैं, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स स्टूडेंट्स, राइट। अब ये जो इंटीग्रल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसी को ही हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। इट मींस दैट इंटीग्रल वन इज सेट टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ नंबर वन इफ आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है। यानी कि इस इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे यदि ए या बी में से कोई एक या दोनों इनफाइनाइट हो जाए, नंबर वन। नंबर टू, एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट ए और बी, और अगर जो लिमिट्स दी हुई है इंटीग्रल की, उन लिमिट्स में से किसी ए या बी पर एफ एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि अनबाउंडेड हो जाए एफ एक्स, तो हम लोग कहेंगे कि जो इंटीग्रल है जिसका कि वो इंटीग्रैंड है, ये एफ एक्स जिस इंटीग्रल का इंटीग्रैंड है, उस इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर कहेंगे। यानी कि लिमिट्स में से कोई इनफाइनाइट हो या दोनों इनफाइनाइट हो तो भी इंटीग्रल को इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहा जाएगा। और अगर लिमिट फाइनाइट हो और फंक्शन जो है, ठीक है ना, जो फंक्शन है एफ एक्स, वो अगर लिमिट ए या बी पर अनबाउंडेड या इनफाइनाइट हो जाए तो भी हम उस इंटीग्रल को क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे, ठीक है ना। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, ठीक है ना, दो काइंड होते हैं उसके, या फिर टाइप होते हैं। टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल बच्चों दो टाइप के होते हैं। नंबर वन, ठीक है ना, जिसको कि हम काइंड वन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप सीधे टाइप ले लें, इम्प्रॉपर इंटीग्रल टू टाइप के होते हैं। टाइप वन, जिसमें कि लिमिट्स में से कोई एक इनफाइनाइट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इट मींस दैट कि इस टाइप के इंटीग्रल्स ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स माइनस इनफाइनाइट टू बी एफ एक्स डी एक्स और माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इट मींस दैट वेयर एफ एक्स इज बाउंडेड इन गिवन इंटरवल, ठीक है ना, और जो फंक्शन एफ एक्स है वो इस लिमिट में क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, लेकिन यहां पर अपर लिमिट इनफाइनाइट है, यहां पर लोअर इनफाइनाइट है, और यहां पर दोनों ही लिमिट्स क्या है, इनफाइनाइट है। तो इस ये जो तीन प्रकार के इंटीग्रल्स हैं, ये काइंड वन यानी कि टाइप वन के इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स कहलाते हैं, ठीक है ना, जिनमें कि इंटीग्रैंड अनबाउंडेड नहीं होता है, लिमिट्स अनबाउंडेड होती हैं, ठीक है ना। तो ये टाइप वन के इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं। नाउ टाइप टू, टाइप टू के इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल होते हैं इनमें ए और बी एफ एक्स डी एक्स, ए और बी तो क्या होता है, फाइनाइट होता है। हियर ए एंड बी आर फाइनाइट, मतलब इनकी वैल्यू तो फाइनाइट होती है, बट आइदर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टेंस टू इनफाइनाइट प्लस माइनस इनफाइनाइट और लिमिट एक्स टेंस टू बी एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। इट मींस दैट कि इनमें से किसी एक लिमिट पर
या हो सकता है दोनों पर ही इंटीग्रल सॉरी इंटीग्रैंड की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाए, राइट? लिमिट्स क्या होंगी? फाइनाइट रहेंगी, लेकिन इन लिमिट्स पे फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा. मे बी इट इज प्लस इनफाइनाइट, मे बी इट इज माइनस इनफाइनाइट. तो इस टाइप के जो इंटीग्रल्स होते हैं उसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 2 कहते हैं. कहीं कहीं बुक्स में इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ काइंड 1, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ काइंड 2 का प्रयोग भी किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना. नाउ अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है ये हमने समझा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कितने टाइप के होते हैं ये भी हमने समझा. अब इसके बाद में आती है बारी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी की, ठीक है ना, कि क्या होता है कन्वर्जेंसी ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल और क्या होता है डाइवर्जेंसी ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है. तो लुक एट दैट, मैं यहां पे शॉर्ट में आपको समझाता हूं. कन्वर्जेंसी, कन्वर्जेंसी, ठीक है ना. सपोज दैट कि आपके पास में कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल है a टू b एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, और जब आपने इसको इवैल्यूएट किया और अगर इसकी वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, क्या आती है? फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू एंड यूनिक, फाइनाइट हो और यूनिक हो, तो उस इंप्रॉपर इंटीग्रल को हम कन्वर्जेंट इंटीग्रल कहेंगे. आई रिपीट, कोई भी इंप्रॉपर इंटीग्रल हो अगर उसको इवैल्यूएट करने के बाद में हमारे पास में एक फाइनाइट और यूनिक वैल्यू आती है तो हम उस इंप्रॉपर इंटीग्रल को कन्वर्जेंट कहेंगे. और अगर उसी इंटीग्रल की वैल्यू a टू b एफ एक्स डी एक्स को जब हम इवैल्यूएट करें और इसकी वैल्यू प्लस माइनस इनफाइनाइट आ जाए तो इस इंटीग्रल को हम कहते हैं डाइवर्जेंट इंटीग्रल. क्या कहेंगे बच्चों? डाइवर्जेंट इंटीग्रल कहेंगे. तो इट मींस दैट इंप्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, इंप्रॉपर इंटीग्रल के टाइप्स, एंड देन इसके बाद में इंप्रॉपर इंटीग्रल को हम कब कन्वर्जेंट कहेंगे और कब डाइवर्जेंट कहेंगे, ये आप लोगों ने यहां पर समझा स्टूडेंट्स, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, इन सबको समझने के बाद में अब हम लोग शुरू करेंगे कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 है यानी कि काइंड 1 है उसको इवैल्यूएट कैसे किया जाता है और उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को कैसे चेक किया जाता है. तो आइए पहले उसको समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट काइंड की जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स होते हैं उनकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को टेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है. तो पहले उसके लिए थोड़ा सा तरीका हम लोग समझ लेते हैं कि हमें शुरुआत कैसे करनी है. मान लीजिए कि आपको एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है, सपोज दैट इट्स अ जीरो या सॉरी इट्स ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स स्टूडेंट्स, ठीक है ना. तो हम इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कुछ इस तरह से लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a टू x एफ एक्स डी एक्स, राइट. मतलब हमने इस अपर लिमिट को लिमिट के फॉर्म में लिख दिया है. अब हम लोग पहले इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे एंड देन इसके बाद में इस लिमिट को, यानी कि हम लोगों को एक लिमिट को इवेल्युएट करना है. तो जब इस लिमिट को हम इवेल्युएट करेंगे और अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट एंड यूनिक आई तो उस केस में हम इसको कहेंगे कन्वर्जेंट, ठीक है ना. और अगर इसकी वैल्यू प्लस माइनस इनफाइनाइट आए तो हम इसको कहेंगे डाइवर्जेंट. क्या कहेंगे बच्चों? हम इसको डाइवर्जेंट कहेंगे. एंड नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि टेस्ट दी कन्वर्जेंसी ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स डीएक्स. ये आपके पास में एक इंप्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि अपर लिमिट जो है वो इनफाइनाइट है, ठीक है ना. एंड दिस फंक्शन इज बाउंडेड, ओके. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है. तो सबसे पहले ये जो इंटीग्रल है e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 0 टू x e टू द पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स. एंड नाउ इसको इवैल्यूएट करिए तो ये आपके पास में आएगा बच्चों e टू द पावर माइनस एक्स विथ नेगेटिव साइन एंड द लिमिट इज 0 टू इनफाइनाइट एंड सॉरी 0 टू x एंड दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट.
अपर लिमिट पे ये माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स रहेगा और प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, लोअर लिमिट पे इसकी वैल्यू हो जाएगी ई टू दी पावर जीरो इज वन। नाउ लुक स्टूडेंट्स, अब हम इसमें लिमिट को लगाएंगे यानी कि इस लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे। तो हम जानते हैं कि व्हेन एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट इज जीरो, तो दिस इज इक्वल्स टू जीरो और यहां पर तो लिमिट का कोई औचित्य नहीं है यानी कि वन, जो कि फाइनाइट भी है और यूनिक भी है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इट मींस दैट कि इस इंप्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू वन आ गई है जो कि फाइनाइट भी है और यूनिक भी है। यहां पर हमने जो कॉन्सेप्ट यूज करा है वो ये है कि लिमिट x tends to infinite e to the power minus x is equals to होता है zero students। तो it means that कि this integral is so that given integral is convergent। That's all students, ठीक है ना। तो ये जो integral आया क्या आया, convergent आया। इसी प्रकार अगर हमारे पास में इस टाइप का इंटीग्रल आ जाए, किस टाइप का, मान लीजिए माइनस इनफाइनाइट टू बी, सपोज दैट यहां पर हम लोग लिख देते हैं माइनस इनफाइनाइट टू जीरो लिख दिया एंड दिस इज ई टू द पावर एक्स डीएक्स, है ना। ये भी एक इंप्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि जो लोअर लिमिट है वो इनफाइनाइट है। तो इस इंटीग्रल में भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसे कुछ इस तरह से लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू व्हाट, सपोज दैट हमने यहां पर लिख लिया लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट और जीरो सॉरी x टू जीरो e टू द पावर x dx, ठीक है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, जब इसको इवैल्यूएट करेंगे तो e टू द पावर x x टू जीरो और लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, लोअर अपर लिमिट पे ये 1 और लोअर लिमिट पे आ जाएगा e टू द पावर x। Now, जब इसमें हम x की जगह पर माइनस इनफाइनाइट सब्सिट्यूट करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट और ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0 यानी 1 माइनस 0 यानी कि 1। इट मींस इट इज यूनिक एंड फाइनाइट, यानी कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल था ये क्या बन गया, कन्वर्जेंट, राइट, कन्वर्जेंट बन गया। ओके, यहां पर n आएगा, n लिख दीजिए। तो सपोज आपके पास में इन दो टाइप्स में से अगर कोई इंप्रॉपर इंटीग्रल आता है जहां पर कि जो इंटीग्रल की लिमिट्स थी उनमें से कोई एक इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट था और फंक्शन जो था वो बाउंडेड था, तो उस केस में जो इंप्रॉपर इंटीग्रल्स होंगे उनको किस तरह से हम लोग टेस्ट करेंगे कि वो कन्वर्जेंट हैं कि डाइवर्जेंट हैं, उसके लिए हम लोगों को पहले उसे एक लिमिट के फॉर्म में लिखना होगा एंड देन इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट को इवैल्यूएट करना होगा। इफ द वैल्यू कम्स फाइनाइट और यूनिक देन द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट अदरवाइज डाइवर्जेंट। नाउ इसी में ही एक टाइप और मिल सकता है बच्चों, क्या, इस तरह का। नाउ सपोज दैट स्टूडेंट्स आपको इस तरह का इंटीग्रल मिल जाए माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डीएक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, लुक एट दैट। ये जो इंटीग्रल है ये भी एक इंप्रॉपर इंटीग्रल है ऑफ फर्स्ट काइंड या फर्स्ट टाइप का इंप्रॉपर इंटीग्रल है जिसमें जो लिमिट्स हैं वो इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट है। तो अब स्टूडेंट्स इस तरह के इंटीग्रल को भी हम लोगों को कुछ इस तरह से करना होगा। पहले हम इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे बच्चों, इस तरह से माइनस इनफाइनाइट टू सी एफ एक्स डीएक्स यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c टू व्हाट c टू इनफाइनाइट dx, बल्कि यहां पर c की जगह बच्चों हम लोगों को लेना चाहिए जीरो, है ना। जीरो क्यों, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में ये एक जीरो टर्निंग पॉइंट होता है, बिकॉज जीरो से लेफ्ट में सारे नेगेटिव और इसके राइट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो हमने ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिमिट को इस जीरो से दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, यानी कि इस इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है, ठीक है ना। और बाकी के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे उनमें भी आपको इसी तरह से करना है, ठीक है ना। नॉर्मली माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट अगर लिमिट रहेंगी तो आपको माइनस इनफाइनाइट से जीरो और जीरो से इनफाइनाइट ही करना है। ओके, तो माइनस इनफाइनाइट टू जीरो डीएक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जीरो टू इनफाइनाइट डीएक्स अपॉन वन प्लस
एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपने इसको इस तरह से दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर लिया। अब इन इंटीग्रल्स को ध्यान से देखिए, ये इंटीग्रल्स वैसे ही हैं जैसे कि दो क्वेश्चंस अभी अभी आप करके आए हैं, तो आप इनको वैसे ही करना है जैसे अभी अभी आपने किया है। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इनफाइनाइट एक्स टू जीरो डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब आप चाहें तो इसको कुछ और लिमिट ले लीजिए, लिमिट y टेंस टू इनफाइनाइट जीरो टू y dx अपॉन वन प्लस y स्क्वायर, सॉरी नॉट y स्क्वायर, इट्स अ x स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इन इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट करिए बच्चों। तो दिस इज लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, अगर आप यहां पर भी x ले लेते तो भी गलत नहीं होता, इट इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan इनवर्स x और ये लिमिट x टू जीरो, ठीक है ना, और प्लस लिमिट y टेंस टू इनफाइनाइट tan इनवर्स x लिमिट जीरो टू y, एंड दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट। नाउ दिस इज व्हाट tan इनवर्स जीरो की वैल्यू बच्चों, जीरो, और tan इनवर्स x as it is tan inverse x plus limit y tends to infinite, this is what tan inverse y minus 0, because tan inverse 0 की value 0 होती है। अब इसमें आप limit substitute करिए, तो अब आप देखेंगे कि 0 is okay, खत्म, minus, जैसे यहां पे आप tan inverse minus infinite substitute करेंगे तो tan inverse minus infinite, tan inverse minus infinite एंड प्लस यहां पर आप इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स इनफाइनाइट। टेन इनवर्स माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है बच्चों कितनी, इट्स माइनस पाई बाय टू, एंड प्लस टेन इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होती है पाई बाय टू, क्योंकि आप जानते हैं कि टेन पाई बाय टू इज इक्वल टू टेंस टू इनफाइनाइट, एंड टेन माइनस पाई बाय टू इज इक्वल टू माइनस टेन pi by 2 is equals to minus infinite, tends to minus infinite, ठीक है ना। तो यहां पर हमें जो result मिलेगा finally वो होगा pi by 2 plus pi by 2 is equals to pi, जो कि finite है and unique है। इस केस में ये जो integral है ये बन जाएगा convergent, students, ठीक है ना। तो हम लोगों ने students इस इंटीग्रल को देखा जिसमें कि लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट थी, उसको कैसे हम लोगों ने टेस्ट किया कि वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो जो दो फॉर्म्स हमने अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, उन्हीं की मदद से हमने इसको इवैल्यूएट किया। पहले हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, यानी माइनस इनफाइनाइट टू जीरो एंड जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है, एंड देन इसके बाद में इसमें लिमिट्स लगाया, लिमिट्स को इवैल्यूएट किया, तो फाइनली हमारे पास में पाई बाय टू आया और जो कि फाइनाइट, और सॉरी पाई बाय पाई आया जो कि फाइनाइट और यूनिक था। इट मींस दैट कि दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स कि हमें कुछ इंटीग्रल्स मिले जो कि डाइवर्जेंट हो, यानी कि सपोज दैट अगर हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाए इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर x dx, ठीक है ना, e टू द पावर x dx, तो जब इस इंटीग्रल को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 0 टू x e टू द पावर x dx, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x tends to infinite, this is e to the power x limit 0 to x, and this is limit x tends to infinite e to the power x minus 1, और जब हम इसमें x की जगह पर infinite लिखेंगे students, तो ये आ जाएगा plus infinite, तो उस केस में ये जो integral है, ये हो जाएगा divergent, मेरी बात समझ में आ रही है students? ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं स्टूडेंट जिसमें कि जो इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट आए, क्योंकि जो अभी एग्जांपल्स लिए थे वो तो कन्वर्जेंट आ गए थे, ठीक है ना। नाउ आपको ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर जो लिमिट है वो माइनस इनफाइनाइट टू जीरो हो, उस केस में भी क्या होगा स्टूडेंट्स, इस तरह के जो इंटीग्रल्स हैं वो डाइवर्जेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आप कुछ क्वेश्चंस को देखकर अंदाजा लगा लेंगे और उनको चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल सकते हैं, क्योंकि जब आप इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करोगे सेम प्रोसीजर से जो हम लोगों ने समझा है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी माइनस इनफाइनाइट।
तो उस केस में ये इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने इंप्रॉपर इंटीग्रल के कंसेप्ट को, उसके टाइप्स को, और उसके बाद में फर्स्ट काइंड के जो इंप्रॉपर इंटीग्रल्स हैं उनको सिंपली इवैल्यूएट देखकर और लिमिट की मदद से सॉल्व करना सीखा। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स इन इंप्रॉपर इंटीग्रल्स को जो वेरियस टेस्ट होते हैं उन टेस्ट की मदद से इवैल्यूएट करेंगे और उनकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को टेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास में अपडेट्स पहुंचते रहें। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।